हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति और स्वागत करती हूँ आपका ग्लैम पेटल्स में। दोस्तों, हम रूटीन में अपनी स्किन केयर करते हैं, अपने बालों की केयर करते हैं, लेकिन अपने हाथों की और पैरों की देखभाल करना भूल जाते हैं। जाने अनजाने पता नहीं क्यों हमेशा हम अपने हाथों के साथ, अपने पैरों के साथ, अपने नेल्स के साथ नाइंसाफी कर बैठते हैं, जबकि इनका भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि चेहरे के बाद सबसे ज़्यादा जिस पे जल्दी से नज़र पड़ जाती है ना, वो है हमारे हाथ। क्योंकि हम बात करते वक्त हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो शायद हम इस बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन सामने वाला इस बात पे ध्यान ज़रूर देता है कि सामने वाले के हाथ कैसे हैं, नेल्स कैसे हैं। चाहे हमारा कॉम्प्लेक्शन जैसा भी हो, हमारी त्वचा का रंग जैसा भी हो, लेकिन हम उन्हें गंदा नहीं छोड़ सकते। हमें उनकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और इनमें हमारे नेल्स भी शामिल हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर भी शामिल हैं। तो आज की ये वीडियो बस हमारे हाथों और पैरों के लिए ही होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे खुद से अपने हाथों की और अपने पैरों की देखभाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। घर पे खुद से पेडिक्योर कर सकते हैं, और जिस तरह से आप पेडिक्योर करेंगे ना, सेम उसी तरह से आप मैनिक्योर भी कर सकते हैं। मतलब अपने पैरों के साथ साथ अपने हाथों को भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे बना सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे ये पूछते हुए कि हम जल्दी से अपने नेल्स कैसे ग्रो करें, तो उसके लिए भी आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर के आ गई हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, जिसकी हेल्प से आप अपने नेल्स को हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाएंगे और अपने पैरों को और अपने हाथों को बहुत ही खूबसूरत, मुलायम बना पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं और अपने हाथों और पैरों की और उनके नेल्स की देखभाल कर लेते हैं। अगर आपको जानना है ना कि कोई बंदा वाकई में सेल्फ लव करता है या नहीं, तो उसकी पहचान आपको पैरों से ही हो जाएगी। अगर किसी के पैर बहुत ही क्लीन, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब वाकई में वो खुद से प्यार करने वाला बंदा है। और मुझे पता है कि आप भी उनमें से एक हो, इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पे आप कैसे 10 मिनट में पेडिक्योर कर सकते हो, अपने पैरों को बहुत ही क्लीन, बहुत ही मुलायम बना सकते हो। सबसे पहले आप आधा नींबू निचोड़ लें एक टब में, उसमें डाल लें थोड़ा सा शार जेल या फिर फेस वॉश, और हल्का सा गुनगुना पानी डाल करके अपने पैरों को डुबो करके रखें 10 मिनट। फिर उसी नींबू से अपने पैरों को थोड़ा सा रगड़ के साफ कर लें। अब आपको चाहिए थोड़ा सा शार जेल, उसमें आप मिला लीजिए थोड़ा सा चावल का आटा या फिर बेसन, और उसी नींबू के छिलके से रगड़ के अपने पैरों को क्लीन कीजिए, एड़ियों में खास करके और नाखून के आसपास। आप चाहे तो ब्रश या फिर लूफा की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने पैरों को 10 मिनट डुबो करके रखा था पानी में, इसीलिए गंदगी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, जो आपके पैरों में जमी हुई थी लंबे टाइम से, वो आसानी से निकल जाएगी। फिर अपने पैरों को ठंडे पानी से धो करके सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपके पैर इतने निखर जाएंगे, इतनी चमक आएगी ना आपके पैरों में, कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब आप इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्लिसरीन और रोज वाटर मिला करके लगा रही हूँ। आप चाहे तो वैसलीन या फिर नारियल तेल भी लगा सकते हैं। अपने पैरों को कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हमें हमारी मंजिल तक यही पहुंचाने वाले हैं। लंबे और खूबसूरत नेल्स पाना हर लड़की की इच्छा होती है। आजकल नेल एक्सटेंशन, नेल आर्ट का फैशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। लड़कियां बहुत शौक से इन्हें करवाती है, क्योंकि हाथों की खूबसूरती तो नेल से ही बढ़ती है। अगर आप भी अपने नेल्स नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप ले लीजिए थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा नारियल का तेल, नींबू और वैसलीन पेट्रोलियम जेली। इन्हीं चीज़ों से आज की ये रेमेडी आप तैयार कीजिए। ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद आपके नेल्स बहुत ही हेल्दी तरीके से बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लहसुन लेना है, उसे कूट लेना है और उसमें मिला देना है थोड़ा सा नारियल तेल और थोड़ी सी कोई भी पेट्रोलियम जेली। मैं यहाँ पर वैसलीन पेट्रोलियम जेली ले रही हूँ। अब इन्हें आप डबल बॉयलर की हेल्प से थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए। इससे वैसलीन भी बहुत अच्छी तरह से पिघल जाएगी और लहसुन की जितनी भी गुडनेस है वो सारी इस वैसलीन और कोकोनट ऑयल में आ जाएगी। हम इस लहसुन को छान करके अलग कर देंगे, क्योंकि इससे हम एक सीरम तैयार करने वाले हैं और इस सीरम को हम लंबा रख सके, ये जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए लहसुन को अलग कर देना सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डबल बॉयलर करने के बाद मैंने इन सभी चीज़ों को छान लिया है, ये एक सीरम तैयार हो गया है। इसमें से लहसुन की थोड़ी सी खुशबू, स्मेल जो भी कहें वो आएगी, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है। तो इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, क्योंकि जेल में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, जो मार्केट वाला जेल होता है वो
वो, तो इसे भी अगर आप मिला देंगे तो लहसुन की जो स्मेल है वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर ये सीरम तैयार हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की ओर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप करने के बाद ही हम ये सीरम अपने नेल्स पे लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपको लेना है 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। उसमें आपको मिलाना है लगभग आधा नींबू का रस। बस इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिसमें गर्म पानी के साथ नींबू का रस और शैम्पू मिलाया जाता है और उसके साथ नेल्स क्लीन किए जाते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपके नेल्स और उसकी आसपास की त्वचा जो होती है काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, क्योंकि लेमन एक ब्लीचिंग एजेंट है और साथ ही साथ शैम्पू के साथ हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी होना शुरू हो जाती है। तो उसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो अगर आप लेमन जूस को कोकोनट ऑयल के साथ मिला करके ऐसा करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके नेल्स और उसके आसपास की त्वचा मॉइस्चराइज रहेगी और आपके नेल्स क्लीन भी हो जाएंगे। लेमन जूस मिलाने से आपके नेल्स में जो पीलापन जम जाता है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और नेल्स क्यूटिकल कई बार काफी कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो उसमें भी आपको आराम मिलता है। जब आप इसमें अपनी उंगलियों को कुछ देर के लिए डिप करके रखेंगे, उसके बाद आप इसे धीरे धीरे मसाज करेंगे। यहाँ पर जो लहसुन वाला हमने सीरम बनाया था ना, उससे जो बचा हुआ लहसुन था वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। आप चाहे तो मिला लीजिए या फिर आप इस लहसुन को छोड़ भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले इसलिए मैंने वो लहसुन भी इसमें मिला लिया। इसके बाद आप अपने नेल्स के ऊपर मसाज कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया, नींबू के रस से आपके नेल्स के ऊपर जमी हुई पीली वाली जो गंदगी होती है वो निकल जाएगी, नेल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। कई बार क्यूटिकल्स कटने के बाद उनमें से ब्लड भी निकल आता है, वो ठीक होगा। अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है उससे भी आराम मिलेगा। ऐसा करने के बाद आप अपने नेल्स को ठंडे पानी से धो लीजिए और किसी सूखे साफ कपड़े से इन्हें ड्राई कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो कि है सीरम। जो सीरम हमने तैयार करके रखा था वो अब आपको लेना है और अपने नेल्स पे और नेल्स के आसपास की स्किन में लगा करके लगभग 1 मिनट तक मसाज करना है और फिर छोड़ देना है। अगर ये सारे स्टेप्स आप रात को सोने से पहले फॉलो करेंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदे देंगे, क्योंकि दिन के टाइम में हम बार बार हाथ धोते हैं, बार बार काम करते हैं, तो ये जो सीरम हमने लगाया है वो निकल जाता है। तो रात को अगर आप लगा करके सो जाएंगे तो रात भर ये आपके नेल्स पे वर्क करेगा, इससे आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे। जब आपको पानी का काम बहुत ज़्यादा करना हो तो आप अपने नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगा लीजिए थोड़ा मोटा मोटा करके, ताकि आपके नेल्स को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, उसको मजबूत रहने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो नेल पेंट हमेशा लगा करके नहीं रखना है, नेल्स को ब्रीद करने देना है, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि आज तो पानी का बहुत ज़्यादा काम है उस दिन आप ऐसा कर सकते हैं। नेल केयर जो है आपको रोज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 15 दिन में एक बार भी करेंगे तो भी आपके नेल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ब्रीद करने में, हेल्दी रहने में, जर्म्स फ्री रहने में। अगर आप नेल्स की केयर करेंगे तो आपकी पूरी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि नेल्स में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। जब आप खाना खाते हो वो सारे जर्म्स आपके पेट में चले जाते हैं, तो जब नेल्स क्लीन रहेंगे तो जर्म्स आपके अंदर तक एंटर नहीं कर पाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप भी हेल्दी तरीके से रह पाएंगे और आपके नेल्स भी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी से घर पे ही अपने नेल्स की आसानी से केयर ले सकते हैं और अपने नेल्स को बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होने में हेल्प कर सकते हैं। तो कितना आसान था, है ना? इतनी आसानी से हमने अपने हाथों को, अपने पैरों को खूबसूरत बना लिया और अपने नेल्स को हेल्दी तरीके से ग्रो करने का इलाज भी ढूंढ लिया। तो मुझे पता है आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आपका आना हुआ है, तो जल्दी से हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने हाथों का, अपने पैरों का और अपने नेल्स का खास ख्याल रखें। बाय बाय।